दोस्तों मैं हम सूर्य हूँ, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज हम बात करने वाले ब्रह्मास के डे 11 के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस के बारे में। इस फिल्म को काफी ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म को जनता जनार्दन ने जिस तरह से गले से लगाया, अब ऐसा लग रहा है कि वो गले छोड़ना ही चाहते हैं, गले से लगे हुए हैं। पब्लिक बहुत ज्यादा इस फिल्म को अप्रिसिएट कर रही है। जो 15 से 20 या 24 साल के जो उम्र के लोग हैं उन्हें ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। कॉलेज गोयर्स की ये पहली पसंद बन चुकी है। ये वही क्राउड है जो मार्वल फिल्मों को बहुत ज्यादा इज्जत प्यार देते थे, वो अब ब्रह्मास्त्र को इज्जत और प्यार दे रहे हैं, और फैमिली ऑडियंस को भी काफी हद तक फिल्म पसंद आ रही है। और यहाँ पर एक चीज है, मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चों को पिक्चर पसंद आती है ना, तो उनके माँ बाप को लगता है कि उनका पैसा भी वसूल हुआ है। तो ये वैसी फिल्म है कि जब बच्चे खुश तो माँ बाप भी खुश है ना भाई, टिकट का पैसा भी फिर वसूल है। तो ऐसा होता है, बच्चे बोले यार मजा नहीं आया, तो माँ बाप अरे यार पैसा वेस्ट किया है, समझ आता है। ये वैसी फिल्म है। अभी इसमें बात करना चाहता हूँ, कल की अपडेट में आपको बताया था, वापस से एक नापतुल की तरह से बता देता हूँ। कल 17 करोड़ के आसपास तक का कलेक्शन अपडेट पता चला है, जो ऑफिशियल अभी तक नहीं हुआ है। जैसे भी अपडेट आएंगे फाइनल मैं बताऊंगा, लेकिन 17 करोड़ तक माना जा रहा है कलेक्शन। और टोटल इस फिल्म का अगर मान के चले तो 214 करोड़ 50 लाख, 214 करोड़ 50 लाख। अब बात करते हैं, आज डे 11 है और डे 11 को कलेक्शन कितना आ सकता है। तो आज फिल्म 5 से 6 करोड़ के रेंज में कमा सकती है इंडिया में। बहुत ज्यादा कम प्रेडिक्शन दे रहा हूं मैं, लेकिन हाँ बहुत सोच समझ के दे रहा हूं, क्योंकि टिकट प्राइस भी थोड़े बहुत कम होंगे आज से। और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी में चेक कर रहा था, बहुत ज्यादा खास नहीं है। इवनिंग में थोड़े थोड़े शोज फिल होना शुरू हो चुके हैं, तो यहां पर जो है 5 से 6 करोड़ का प्रेडिक्शन है मेरा। और अगर ऐसा कलेक्शन होता है इंडिया में तो टोटल हो जाएगा इस फिल्म का 219.50 करोड़ से 220.50 करोड़। तो देखते हैं कलेक्शन कहां तक जाता है, किस तरह से फिल्म चलती है। इस फिल्म को स्ट्रांगली अगर 5-5 करोड़ तक मेंटेन रखी ये फिल्म अपने 4 दिन, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ये फिल्म के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में वीकेंड जब वो सब मिला के ऐसा लग रहा है कि फिल्म 250-260 करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन यहां से कर सकती है। और इस कोविड के माहौल में ये बहुत बढ़िया कलेक्शन होगा पोस्ट कोविड के। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और आपको कहीं वर्कआउट ब्रह्मास्त्र का ट्रेंड सोशल मीडिया पे नजर आया जरूर बताएगा, क्योंकि फिलहाल एक हफ्ते से ये लोग गायब है, इनकी रोजी रोटी छिन चुकी है। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।